अस्सलाम वालेकुम एवरीवन मेरा नाम है यासिर सईद और एम अ डिजिटल जर्नलिस्ट हेयर एट एक डिजिटल एक न्यूज़ चैनल टुडे इट इज़ लॉन्च समथिंग बिग समथिंग एक्सक्लूसिव एक न्यूज़ ला रहा है एक्सक्लूसिवली आपके लिए एक पॉडकास्ट एंड यू विल बी वाचिंग अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ पॉलिटिशियंस अपने जर्नलिस्ट और उनसे हम वो वाली बातें जानेंगे जो अमूमन टी वी की स्क्रीनस पर हमें नहीं दिखने या सुनने को मिलते हैं तो वी आर गोइंग टू कट एवरी थिंग शॉर्ट एंड टुडे वी हैव स्पेशल गेस्ट विद आस और uh, ये जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने अपनी लाइफ में बड़ी स्ट्रगल्स देखी हैं खसूस जो फीमेल जर्नलिस्ट होती हैं ना किसी भी मुल्क में उसकी स्ट्रगल और उसकी जो उसके अंदर जो फायर है जो स्पार्क है जो पैशन है वो एक मेल जर्नलिस्ट से वैसे ही मुख्तलिफ होता है तो हम इनवाइट कर रहे हैं हमारे गेस्ट हैं आज के मिस बतूल राजपूत वालेकुम क्या हाल नाम आपको मिस बतूल राजपूत हमारे साथ एक न्यूज़ पे साथ हैं और यहाँ पे शी इज द होस्ट ऑफ रेड जोन फाइल्स जो कि हमारा टॉक शो है आ, विद सैयद फाहद हुसैन जो कि प्रेसिडेंट हैं एक न्यूज़ के इधारे के अब रेड जोन फाइल्स का नाम भी चेंज हो रहा है और उसकी ब्रांडिंग भी चेंज हो रही है डायरेक्ट लाइन होगा मंडे टू थर्सडे शाम सात बजे ठीक है तो हम अब जानेंगे मिस बतूल राजपूत से या सर इसलिए मेरा नहीं ख्याल हमारे मुल्क में कोई भी कह सकता है कि उसे से पता था कि उसने बड़े होकर बनना है क्योंकि हमारे मुल्क में करियर काउंसलिंग नहीं होती आ, हम लोग बदकिस्मती से ऐसे सिस्टम में रहते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को ये तक शोर नहीं है कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम बच्चों के लिए अच्छा है तो करियर काउंसिल हो जाना तो एक बहुत ही चंबे की बात है लेकिन मेरा तालुक फौजी बैकग्राउंड से था तो एक माइंड बना हुआ था कि फौज में ही कोई काम करना है

उस वक्त कुछ सब्जेक्ट्स थे चूंकि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी और मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टरी करूं और मैंने उनसे से भी कहा कि अगर मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं किसी से मिलूं या बात करूं और बहुत इमरजेंसी है तो ये तो बड़ा अन प्रोफेशनल हो जाएगा तो बड़ी करना चाहती हूँ या सिर हमें कोई शख्स किसी प्रोफेशन से मोहब्बत करता है तो उसका रवैया यही होता है वो उसकी क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत काइंड थे और उन्होंने समझ लिया कि ये वही करना चाहती है जिसका इसको शौक़ है और मुझे था लोगों के मसायल हल करने का शौक और यूनिवर्सिटी में स्कूल में और किसी का फड्डा चल रहा है लड़ाई चल रही है तो वो उस तो जो मैस कम्युनिकेशन जब आया सो, सोशल साइंसिस का एक सब्जेक्ट है तो इट वॉज रिलेटेड टू तो सोसाइटी और ये मेरी शख्सियत के बहुत करीब था इतना करीब था कि मैं मुझे बहुत कम लगता था कि मैं ओ, अच्छा, ये मैंने मतलब जब हम कैमरा कर रहे थे या रेडियो कर रहे थे अखबार कर रहे थे तो मुझे बहुत कम लगा कि मैं

इन अ सोसाइटी जो कि मेल डोमिनेटेड है या सर सबसे पहले तो ये चैलेंज होता है कि किसी को भी लगता है कि अगर आप घर से बाहर निकले हो इंटर्नशिप के लिए काम के लिए तो आपको कोई मजबूरी होती होगी ये सबसे तकलीफ दे बात है अब ये अच्छा ये तो अमूमन ये, ये तो अमूमन मोस्टली लोग خواتین एक... के बारे में सोचते हैं जो अच्छा। कि नहीं ये सच नहीं है देखिए जब हम काम करते हैं तो हमारी जरूरत तो होती है कोई फाइनेंशियल नीड भी होती है लेकिन कभी किसी का पाशन भी हो सकता है लेकिन ये बात भी कहना गलत होगा कि यार आपको पैसे नहीं चाहिए लेकिन खवतिन को कैटेगराइज कर देना कि यार इसकी तो कोई मजबूरी है तो घर से निकली होगी उनको लेट डाउन करना मतलब आप मुझे खुद बताएं कि पिछले दस साल में कितनी खबीन तजिया निगार आपको नजर आई है पाकिस्तान की टीवी चैनल है आ। शायद आप दो या तीन से ज्यादा किसी का नाम ही नहीं ले सकें क्यों क्योंकि खातीन को सीरियसली नहीं लिया जाता टीवी इंडस्ट्री में उनको अभी लग... भी बिल्कुल है। ऐसा ही है उनको लगता है उनका कॉन्टेंट कमजोर होगा उनको लगता है कि वो इतनी सीरियस नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं कि बने नहीं बने ये है 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 एटीट्यूड एटीट्यूड हमारे यहाँ मोस्टली मैनेजमेंट्स का कि उनको लगता है कि अगर कोई मेल एंकर है तो वो ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा अगर कोई मेल एंकर है तो वो ज्यादा वक्त दे सकेगा काम में हालांकि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने देखा है खात को जो अपना घर भी अच्छा मैनेज कर रही हैं और ऑफिस में भी मेहनत कर रही हैं तो ये एक परसेप्शन है जिसमें हम हम फंस जाते हैं कि इसलिए नहीं सिर्फ काम कर रहे हैं हम स्टेबलिश होना चाहते हैं हम इसलिए भी काम आर फिट फॉर डेडिकेटेड हैं ये है। सबसे सब बड़ा चैलेंज है अच्छा तो चलिए हम ये बात स्टार्ट करते हैं आपने कहा क्या मतलब एज ए न्यूज़ एंकर के तौर पर आपने शुरुआत ली नाउ माशा यू आर द होस्ट ऑफ़ ए टॉक शो इस सफर के दरमियान एज ए फीमेल जर्नलिस्ट तो ओवरऑल हमने देखे कि क्या चैलेंजेस आते हैं आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस जिसमें अमूमा हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ़ के दौर में टीवी चैनल्स बंद कर दिए जाते थे और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा सख्ती भी थी मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ उसका ऐसे भी सोशल मीडिया इतना आम नहीं था तो सोशल मीडिया का ही दौर है एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑन डिजिटल एज वेल तो

उस वक्त आई लिटली क्राइड और ये बहुत पर्सनल है लेकिन ये सच है और, और ऐसे मोमेंट से आपको पता चलता है की आप अपने काम से कितनी मोहब्बत करते हैं आई वॉज नॉट ओके आई वॉज फिजिकली नॉट वेल यू आर कैरिंग

और, और, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने चीजें और भी अच्छी कर दी क्योंकि जब अल्लाह आपको पैगाम दे दे कि आपने किस रास्ते पे चलना है तो आपको समझ आना चाहिए कि फिर ईमानदारी का रास्ता आसान नहीं होता आपको समझ आना ये ये चाहिए ये चीज जो है कि ना ईमानदारी का रास्ता है आई थिंक ये चीज समझना बड़ी जरूरी है कि अगर हम हलाल और हराम की देखिये मैं तो कोई रिलीजियस स्कॉलर हूं नहीं और मुझे नहीं लगता मैं हलाल हराम के ऊपर बात करूं लेकिन अगर आप कोई रॉन्ग अप्रोच से पैसा कमाते हैं कुछ करते हैं दैट मे सीम इजी लेकिन अगर आपने इस राह रास्त पे चलना है उसमें तो हमारा मजहब भी कहता है उसमें कि उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है कि आपको बार बार सोचना पड़ता है कि आप कैसे करोगे सर आप मतलब कि अगर हम हजरत इमाम हुसैन की भी स्ट्रगल्स देखें हम अपने, की देखें, हम अपने की देखें, तो उनकी जिंदगी भरी ही स्ट्रगल्स है इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता लेकिन ये तो थोड़ा साइक इमरान खान क्योंकि वो अक्सर ये बड़ी बड़ी मिसालें देते थे हम तो खैर जरूरत नहीं हो सकती इन मिसालों में पढ़ने की लेकिन ये तो सच है कि अगर अल्लाह आपको आजमा रहे और आप बुरे रास्ते पे नहीं चल रहे हो तो वो वाकई वो आपको आ, आप मंझे हुए इंसान बन बनते जा रहे हो तो आ, मेरा तो ब्रॉटअप यही है कि आपने ऑनेस्टी का रास्ता नहीं छोड़ना मे बी आई एम टू ऑनेस्ट फॉर द सिस्टम एज वेल ये तो मैंने बहुत पहले रियलाइज कर दिया था और आप इतनी आसानी से पचास लाख के चेक्स रिजेक्ट नहीं करते वेन यू आर इन वैन यू आर इन योर अर्ली ट्वेंटीज और आप यकीन करें कि उस वक्त मुझे जीरो काउंट नहीं करने आते थे

अपनी अर्ली ट्वेंटीज़ में इतनी इतनी ऑफर्स को डिक्लाइन करना की आपकी तरबियत होती है पीछे क्योंकि देखिए मजा नहीं आता जब आप कुछ गलत करके कामयाबी हासिल करते हो तो उसमें मजा नहीं है और फिर हाँ, 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 oh वो इन चीजों के पीछे ऐसे तो बहुत सारे वाक आते हैं लेकिन वो पहला था कि मैं, मेरा आपको बताया ना कि मुझे नहीं पता था कितने जीरो हैं Uh, थोड़ा was सा that. इसमें बता था और उसके बाद जो मुझे कॉल narrative build करने के लिए था हाँ कि यू आर वेरी यंग एंड यू वेरी एनर्जेटिक एंड ये करो और इसकी ये, इसके बाद घर और प्लॉट और हमें पता चला कि हम नया नया इस्लामाबाद में आई हैं एंड एंड आई लिटरली शोड दैट चेक एंड द पेपर्स टू वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स तो फिर लेकिन वो पहला था हैं तो बहुत सारे लेकिन वो पहला था एंड आई वाज शॉक मैंने कहा क्यों भाई इतने पैसे क्यों ऑफर कर रहे हैं नहीं तो डिड यू एक्चुअली फिजिकली कलेक्ट द चेक आपने नहीं care? नहीं वो पोस्ट हुआ था मेरे घर पे अच्छा जी एंड फिर आपने फाड़ दिया चेक मतलब या डिड यू रिटर्न इट बैक टू क्या आपका था हाँ, हाँ, था उसके कर कर दिया था। डिस्कार्ड हाँ, कर दिया अच्छा लाख का का चाहे किसी साल ट्रेनिंग और परवरिश ऐसी सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता था करना क्या जिंदगी में तो, तो कितनी कभी सर नहीं झुकाया अपने माँ बाप का शुक्र अच्छा गेट टू नो कि देर वॉज टाइम जब आप अपनी जॉब से फाइड भी हुई हैं हाँ मैनी टाइम्स मैनी टाइम्स तो पहला सवाल तो मेरा ये है क्यों और दूसरा सवाल क्यों आगे वही चीज मतलब कि दोनों सवाल क्यों हैं क्यों फायर अब फायर हुई हाँ. और क्यों फिर आप उसी चीज पे आगे लगी हुई हैं मतलब कि आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं बार बार रगा? मतलब कि अगर इस प्रॉब्लम से गुजर रही वाइल यासर yeah, मुझे लगता है कि मैं इंडस्ट्री uh, में उन खुशकिस्मत तरीन लोगों में से हूँ जिन्होंने बहुत आसानी से बड़े टॉप प्लेटफॉर्म तो सब ठीक था और मुझे लिटरली स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी मैंने ऑडिशन दिया वो सिलेक्टेड आई वॉज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी तो आप उनको ईजिली इंटर्नशिप का अपरचुनिटी का पाया चल जाता है तो काम शुरू तो बहुत आसानी से कर लिया तो लगता था आसानी से ही चलता रहेगा लेकिन वो, वो जो किताबों में बातें होती हैं वो प्रैक्टिकली बहुत अलग हो जाती हैं अगर किताब में से भी सिखाए ना कि होगा कैमरा सामने एक बंदा होगा उसको इंटरव्यू करना है और खबर लिख के वापस आ जाना नहीं ये भी हो सकता है कि वो खबर लिखते हुए आपको रोक ले ये भी हो सकता है कि वो आपको हेरास करे ये भी हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी वापस आने ना दे ये भी हो सकता है आपका कैमरा छीन ले ये यूनिवर्सिटी में नहीं बताते

और अगर हमें थ्रेट आएगा तो क्या करना है अगर हमें कोई नौकरी से निकाल रहा है तो हमें क्या करना है हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई बाय द वे आपके लिए खड़े हो जाए तो खड़े हो जाए यासर लेकिन ये सब्जेक्ट में नहीं है आई होप कि आने वाले वक्त में ये चीजें चेंज हों जहां तक आप फायर होने की बात करें यार फायर साउंड वेरी बैड फ्रेंकली मतलब अच्छा तो नहीं लगता है सुनने में और कहने में लेकिन मुझे इसलिए ऑकवर्ड नहीं लगता कि मैंने जब जब अपने करियर में लगा कि कोई सिक्सर हो गया है एंड आई ग्रेट और यहाँ से भी फीडबैक आ रहा है सब सीनियर जर्नलिस्ट से आ रहा है सडनली और कॉल इन सेड यार आप आगे दोबारा साहब जा सकते तो ये से, वो से क्या थे उनमें कोई एक दो वाक्य जरा शेयर करें ये ये आम, मुझे करते हुए सिर्फ हाफ ईयर हुआ था और इस्लामाबाद में मैंने इमरान खान का इंटरव्यू किया था उससे पहले भी मैंने उनको इंटरव्यू किया हुआ था अच्छा। लेकिन चूंकि मैंने पहला इंटरव्यू उनका थोड़ा सा ठंडा इंटरव्यू कह लें और बड़ा दरमियाना से एवरेज इंटरव्यू किया क्योंकि मैंने उनके बारे में एक परसेप्शन सुनी थी कि अगर आप ज्यादा उनको पहली दफा ही टफ क्वेश्चन करोगे तो इंटरव्यू नहीं देंगे और मुझे किसी भी सासदान के साथ तल्क खराब नहीं करने एन आई कैन वेट फॉर एन हार्डिंग इंटरव्यू दैट इज नॉटम तो फिर मैंने शायद के बाद दोबारा नई हक ने इंटरव्यू लाइन अप किया फौज कसूरी के साथ ऑल द वे जाके मैंने बनी गाला वो लाइन अप किया तो बड़े अच्छे माहौल में लेकिन हाँ उस इंटरव्यू के लिए मैंने काम सात से चौदह दिन किया था आई मेट पीपल आई हैड इन्फॉर्मेशन और फिर उसमें कुछ सवाल उनको अच्छे नहीं लगे थे और वो लेकिन वो उस उस इंटरव्यू की जो शक्ल थी वो बड़ी नॉर्मल हार्डिंग इंटरव्यूज़ वाली थी उसमें और भी उस ज़माने में और भी बहुत जर्नलिस्ट थे जो हार्ड एटिंग इंटरव्यूज़ करते थे लेकिन वो इंटरव्यू हो गया वो इंटरव्यू हमने अपनी मर्जी से एडिट किया उसका प्रोमो चलवाया लेकिन उसके बाद तीन चार दिन के बाद मुझे मेरे चैनल के मालिकान ने बोला कि आप रायबन गई थी इस इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए और कुछ चैनल्स ने आपको सपोर्ट किया नहीं लाइफ में मैं तो मैं आज तक राय नहीं गई हूं। इस, तो वो उन्होंने मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने इतनी यकीन से कैसे कह लिया मुझसे पूछते कि क्या आप राय गई हैं या मुझसे पूछते कि क्या आपकी उस चैनल चैनल की मैनेजमेंट से कोई बातचीत चल रही है लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप राय में थी और ये सारा आपको कंटेंट उधर से ही मिला है और एक चैनल से मिला है तो मैंने उन्हें कहा कि अगर ये सच है तो मैं उस चैनल में हूँ क्यों नहीं मैं तो आपके चैनल में हूँ तो उसने कहा मे बी यू आर फॉलोइंग एन एजेंडा मैंने कहा ओके

क्या थी ब्लैक क्या या ऐसी चीजें yes, और, अच्छा. और अगर आप यकीन अगर मुझे इसके बारे में बात करने का शौक होता है, तो मैं बहुत साल पहले या तो लिख चुकी होती या मैं इंटरव्यूज में अपेयर हो चुकी होती क्योंकि मैंने वो इंटरव्यू सिर्फ एक वेल रिसर्च होमवर्क की बुनियाद पे एक सहाफी uh, की हैसियत से किया था

तो इंटरव्यू एयर हो गया था और okay. शायद उस वक्त खान साहब को लग रहा था कि छोटा चैनल है नई एंकर है क्या कर लेगी मेरा क्या बिगाड़ लेगी सवाल ही तो इसने किए लेकिन वो दैट इंटरव्यू बिकेम लार्जर देन लाइफ एंड आई हैड नो अ हार्ड वर्किंग एनर्जेटिक न्यू कमर इन द इंडस्ट्री कि कुछ एक्सक्लूसिव करते हैं एंड ना अभी मुझे हंसी भी आती है कि आप कितने सिंपल माइंडसेट के साथ काम कर रहे होते हो और किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस आपके पीछे पड़ जाती हैं जेनवनली uh, मैं उन लोगों के लिए महसूस करती हूँ जो सहाफत पढ़ रहे हैं और काम करके जब खबर देते हैं तो उनके साथ ये नहीं होना चाहिए तो uh, उन मैसेज़ में uh, मुझे लगता है कि इमरान खान एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इंटरव्यू इतना देखा जाएगा या उसका इतना फीडबैक आएगा और उस फीडबैक की बेस पे शायद उनको भी थोड़ा तनकीद का सामना करना पड़ेगा वो हजम नहीं कर पाए अफसोस हुआ इस बात का कि एक प्रोग्राम ही है, है तो पाएसोन बात बात के दर अच्छा, तो उन्होंने फिर मुझे उस इंटरव्यू के एयर होने के दो तीन दिन के बाद मैसेजेस किए कि आप तलत हुसैन और हामिद मीर बनने की कोशिश कर रही है एंड योर करियर विल बी जीरो और फिर मैंने कहा को कोई कुछ भी रिप्लाई नहीं किया और, और भी बहुत सारी अंग्रेज़ी में उन्होंने कुछ बातें की लेकिन ये मुझे याद रह गई ये ये मुझे नक्श है मेरे जहन में कि आप तल्लात हुसैन और हामिद भी बनने की कोशिश कर रही हैं यू आर ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट और आपका करियर जीरो हो जाएगा और भी काफ़ी कुछ था लेकिन वो याद नहीं है फिर मुझे मैंने कुछ लोगों से शेयर किया उन्होंने मुझे कहा मैसेजेस ट्वीट कर दो लेकिन या सर मैं मैं नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं आ, कभी भी चीप पब्लिसिटी पे बिलीव नहीं करती मुझे एक्चुअली लगता था उस वक्त तो यार मुझे अपना पर्सनल प्रॉब्लम नहीं किसी को बताना hmm. मेरा काम देखें उसको अच्छा बुरा कहें दैट इज इट आई एम जस्ट अ प्रोफेशनल लेकिन जब लोग आपके पीछे पड़ जाए इतना पर्सनली फिर कुछ ना कुछ तो किसी को पता लग ही जाता है मिस कमल शोजब का आपने इंटरव्यू किया था और कोई वक्त ऐसा वाक्य हुआ था किसी लॉक जी इन इन हर हाउस

वो भी उनको भी तकलीफ हो रही थी कि इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए तो मेरा आर्ग्यूमेंट ही ये था उस पूरे प्रोग्राम का कि आपके साथ भी हरासमेंट हो रही है जो आपके लॉयर हैं वो भी तकरीबन हरासमेंट ही उनकी तरफ से भी हो रही है किसी को तनकीद करना या किसी की तस्वीरें चलाना या किसी की मीम्स पे हंसना तो ये ये तो ये तो हमारा सोसाइटी का कल्चर बन चुका है आप भी सफ़र करिए हैं और जो टीम आपको डिफेंड करी है उसकी उसकी वजह से और लोग भी सफ़र करें तो ये पूरा मेरा मेरी दलील ये थी सबको डिजाइन करने का तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंटरव्यू कंडक्ट करते हुए हम इस नेहज पे पहुंचे कि ये बात हुई तो उनको बुरा लग गया कि आप तो प्लान करके आई हैं मैंने अच्छा। कहा तो आधे घंटे से आपकी फेवर में बात कर रही हूँ कि आपके साथ ये नहीं होना चाहिए लेकिन आपकी टीम में भी कुछ लोग हैं सो सो दिस वॉज हाउ इज इट तो उन्हें बुरा लग गया उन्होंने कहा अपनी डिलीट कर दें और मैंने कहा ये नहीं हो सकता और मैं उनको तो बहुत पोलाइटली कहा बट इट वॉज इन माई हेड कि ये हो नहीं सकता ये होना ही नहीं चाहिए आप कैसे कह सकते हैं और मैं कोई फ्री लांसर या यूट्यूबर तो हूँ नहीं जिसको को, यूट्यूब हाँ, और क्या कि आप भे. किसी को भी जैसे मेरा किसी को या आजकल तो किसी को यूट्यूब पे काम करता है तो उसको नॉन सीरियसली लेते हैं तो मैंने कहा मैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता हूँ ये उनकी प्रॉपर्टी है तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप उसको निकालें खैर उस वक्त मैंने भी तहमल का मजाहरा किया क्योंकि काम इंपॉर्टेंट था और मैंने अपने सबके बॉस को कहा कि ये ऐसे कह रहे हैं और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे लिए स्टैंड लेंगे फ्रेंकली और मैंने उनके मुंह पे भी कहा हुआ mm. मुझे पूरा यकीन था कि अगर ये बात मैनेजमेंट तक पहुंची तो वो कहेंगे हाँ डिलीट कर दो बट आई वॉज फाइटिंग फॉर माई सेल्फ खैर

कहा कि यार आप इस से एक जर्नलिस्ट को नहीं अपने साथ कर सकते आपको एटलीस्ट जाने दें और फिर वो इसलिए मामला डाउन हो गया क्योंकि उसमें सीनियर जर्नलिस्ट हो गए थे अच्छा तो चलें ये भी अच्छी बात है आपको हाँ। सपोर्ट रही जनरल फैज़ हमीद साहब के दौर में अबसार आलम और सलीम साफ़ी के हवाले से कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी थी कि ये कंट्रोल में नहीं आ रहे तो इनको कंट्रोल में किया जाए और जनरल फ़ैज़ हमीद का कोई अपना एजेंडा था

लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस्तेमाल नहीं भी होते हैं उन्हें पता होता है कि वो क्या करें। थोड़ा सा जरा डिटेल बताती हैं कि उन्होंने आपको क्या कहा था यासिर अबसार आलम ने इसके ऊपर लिखा और अबसार आलम ने जब इसके ऊपर लिखा तो उनका इस्तेक था वो कुछ भी लिख दें लेकिन काइंड जब मैंने उनसे कहा कि कुछ चीजें नहीं लिखे तो उन्होंने डिलीट कर दी Uh, और उनके मेरी जिंदगी में मैं मुझे उनके कुछ फैसलों से इख्तलाफ भी है जैसे उनको सियासी अहदा या जैसे आप सपोज गवर्नमेंट का लेते हैं नहीं लेना चाहिए तो ये हमारा उनसे इख्तलाफ भी था लेकिन एज अ जर्नलिस्ट ही इज़ अ ट्रू जर्नलिस्ट और आई आई एनी हाउ स्पोक टू हिम कैसे कुछ लोग तंग कर रहे हैं और uh, बार बार तंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुश्किलात होंगी और मैं यहाँ पे ज्यादा लोगों को जानती भी नहीं हूँ तो आई बेसिकली स्पोक टू क्या आपको थ्रेट आया था नहीं छटती था थ्रेट नहीं था यू वर फोर्स्ड वो बहुत प्यार से बात करते हैं और बार-बार बात करते हैं अच्छा प्यार से बार-बार رابطہ बार करना कि आप ये ये कर दें तो फिर वो नहीं कर सकते आप या से लेकिन ऑब्वियसली आई वाज स्कैर्ड एंड ऑब्वियसली आई वाज नर्वस एंड ऑब्वियसली आई वाज क्राइंग

मतलब कि सिर्फ एक, हाँ। काम, एक काम ना करने से मुझे कहा जाता था यूर टू गुड बट वी है बल्कि एक चैनल में तो मुझे आ, जो वहाँ के सीईओ थे वो उन्होंने मुझे ऑल द वे मिलने के लिए बुलाया और म, म, मुझे उन्होंने कहा कि, to you, really like अच्छा, ये बताएं कि आलम और सलीम साफी के हवाले से क्या आपको ये कहा गया था कि इनकी वीडियो बनाए कोई ऐसी नहीं आप सारा आलम के हवाले से नहीं कहा गया था लेकिन आ, उन दिनों आ, आपका एक सर्कल होता है जिसमें आप उठते बैठते हो आ, तो शायद किसी ने नोट कर लिया हो कि यार ये या आप दो चार लोगों में it, frankly, इस बारे में कोई बात नहीं की मुझे मुनासिब नहीं लगता जितना इस, इसके बारे में पता है उतना ही बहुत, बहुत बेहतर है जो समझता हूँ लेकिन ये तो फैक्ट है कि जो जनफैज़ अमी के दौर में नौकरियों से निकाला

ये कैसे कौन से गोल्स या एम्स होते हैं जो कि जो इनफ्लुएंशियल लोग हैं पावर में वे कहते हैं कि करो क्योंकि सिर्फ कंट्रोल करने के लिए इज इज अ गेम ऑफ कंट्रोल जी और जब आप सर्व करते हो कुछ लोगों को तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं रातों रात बड़ी स्लॉट्स भी मिलती हैं आप कुछ चैनल्स में भी पहुंचते हो बट आई एम हैप्पी कि पाकिस्तान में अब भी कुछ ऐसे टॉप चैनल्स हैं जहां पे आप इज्जत से पहुंचते हैं चलें ये एक खुशाइन बात है और इसमें दाद देनी पड़ेगी अब ये बताएं वो तो पाँच साल कैसे गुजारेगा आपने साढ़े चार पाँच साल और इसमें क्या चीज़ थी जो ऐसे की या डिड यू रिग्रेट के यानी मैं इस फील्ड में क्यों आई और फिर जब पाँच साल बाद आप अभी भी उस फील्ड में तो आप सोचती हैं कि क्या मेरा वो पाँच साल का गैप था उससे मेरे कुछ नुकसान हुआ फाइनेंशली या अदरवाइज एथिकली अप डाउन हुई मुराल के हवाले से कुछ ऐसा कभी जेन में आया वो पाँच साल कैसे या मेरे लिए मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिबिलिटी है कि मेरे कंटेंट की और मैं जब बात करूं या जो मेरा काम है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है तो एज लॉन्ग एज आपकी क्रेडिबिलिटी का लोगों को पता है तो बाकी कुछ भी अगर कम हो रहा है तो इट्स ओके okay. तो क्रेडिबिलिटी और इज्जत कम नहीं होना चाहिए बाकी पैसे और अपॉर्चुनिटीज ऊपर नीचे हो जाती हैं लेकिन जर्नलिज्म की तो बात ही ये होती है कि जब जितनी चैलेंजेस आ रहे होते हैं तब आप बन रहे होते हो और ये पांच साल इस तरह से गुजारे कि जब इमरान खान के पहले इंटरव्यू के बाद प्रोग्राम बंद हुआ तो आई वॉज हाइड बाई डॉन और आ,

और हम इंफॉर्मेशन की बेस पे ही मैंने कई साल काम किया लेकिन जिस 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 स्पेसिफिक इंटरव्यू की आप बात करें फ्रैंकली मैंने कभी इसके ऊपर प्ले नहीं किया मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ एंड इट वॉज ओनली वर्क और मैं उस तरह के पचास इंटरव्यूज और कर सकती हूँ यासर वो शायद लोगों ने उस इंटरव्यू को बहुत लार्जर देन लाइव बना दिया पर मेरे लिए वॉज भी सिर्फ एक थर्टी फाइव मिनट्स की हार्ड टॉक थी mm -hmm. जो कि आप किसी और को ले मैं उसके साथ भी कर लूँगी लेकिन शायद लोग ज़्यादा पर्सनल हो गए कि इमरान खान से कर शायद उनकी ज़्यादा फॉलोइंग थी इमरान खान या कोई भी शख्स अगर खुद क्लेम कर रहा है कि मुझे धमकी दे रहे हैं और अ, मेरा इमेज खराब कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप जलसे में अपनी जाती बात कर रहे हैं ना आप जलसे आ, में कह रहे हैं कि मुझे धमकी है अब आप मेरे सवाल की क्योंकि आप मेरे कॉलीग हैं और मैं हर आपसे आर्गूमेंट नहीं करना चाहती तो मैं वजात देने को तैयार हूँ वरना मैंने पिछले बारह साल में इसकी वजाहत कहीं नहीं दी है आप अपने जलसे में कह रहे हैं कि आपको धमकी आ रही है एक टीवी चैनल के ओनर से वो आपका एक मेरे पास धमकी आ रही है और उन दिनों उनके हवाले से बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज थी और मेरा इंटरव्यू इससे पहले ही लाइन अप हुआ हुआ था उनके इन चीजों के बाद इंटरव्यू अप नहीं हुआ था हाँ कुछ सवालों की वजह से वो इंटरव्यू ज्यादा बड़ा बन गया लेकिन इंटरव्यू पहले से ही लाइन अप था क्योंकि उन्होंने अपनी एक जाती बात पब्लिक में की और चूंकि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि वो अपनी जाति एक बात को लेके बहुत परेशान है और जगह जगह लोगों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि इसलिए बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है तो मैंने भी उनसे वही पूछ लिया जो वो कहते फिर रहे थे तो दिस इज नॉट पर्सनल इस की प्रोड्यूसर है हमारे पॉडकास्ट के हरास करें खान मुझे तंग करें तो आप कहें, बतूल तारीख तुम्हारी कॉलीगें आप कैसे, कैसे? यार, वो मुझे तंग कर रहे हैं प्रोग्राम में लाइव मुझे तंग करें कोई रिकॉर्डिंग हो सकती है सो वेन थिंग्स कैन बी स्पोकन अबाउट दे कैन बी टॉक्ट अबाउट तो जब खान साहब खुद अपने जलसे में अपनी बात कर रहे हैं तो हम उस जाती बात की वजाहत क्यों नहीं मान सकते और हम उस जाती बात के बारे में मजीद सवाल क्यों नहीं कर सकते आ इमरान खान का यही तो निगमत था माजरत के साथ और इसीलिए तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को नौकरियां नहीं करनी दी और उनकी उनके रफका ने भी क्योंकि वो तनकीद नहीं लेते थे और वो नहीं चाहते थे कि सवाल करें तो आप ये कह रही हैं कि तनकीद एक ऐसी चीज है जो कि पॉलिटिशियन अमूमन एक्सेप्ट नहीं करता ये कोई हार्ड हिटिंग क्वेश्चन करते मोस्टली मोस्टली नहीं करते तो फिर फिर हाउ यू डिग ऑल दिस मतलब कि कैसे फिर, आ, ऐसे लोगों को कंफर्ट जोन में लाया जाता है देखिए हमारा काम सासदानों को कंफर्ट कंफर्ट जोन में लाना है ही नहीं आप क्यों हमारी ये तो हमारे प्रोफेशन पे गाली और तनकीद है कि आप एक सहाफी को कहें कि पॉलिटिशियन कंफर्टेबल कम ऑन आप लोगों के वोट लेके सीटों पे आए आप लोगों के पैसों से मुल्क का टैक्स दे रहे हैं और आईएमएफ के कर्जे उतार रहे हैं और आप हमसे ये कह रहे हैं कि हम आपको कम्फर्ट जोन में रखें आप न्यू बॉर्न है आप टीन एजर है आप ना बाले गए यू आर रनिंग कंट्री या यू आर रनिंग अ कंट्री टू फिफ्टी मिलियन लोग आप पे डिपेंडेंट और आप ही कह रहे हैं आपने तो मुझसे पर्सनल सवाल पूछ लिया मैं दुखी हो गया एंड यू वांट टू बी अ प्राइम मिनिस्टर इतना आप एक पर्सनल सवाल का प्रेशर ले सकते हैं आप मुल्क कैसे चलाएंगे और चूंकि आप प्रेशर नहीं ले पा रहे इसीलिए तो मुल्क नहीं चला सके ना और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बातें कर रही हूँ और अगर, अगर आपको मेरी ये टोन ये जो जिसमें हम बात कर रहे हैं अगर, अगर, अगर आपको इसमें जरा भी अनप्रोफेशनल या कोई ऐसा लफ्ज मैंने इस्तेमाल कर लिया तो प्लीज़ मुझे बताएं क्योंकि हमारी तो ये चार साल की ट्रेनिंग है और हमारी ये ट्रेनिंग है कि हमें पता है कि एक सवाल को पांच तरह से कैसे करना है अगर उनमें से पांच में से दो आपको बुरा लग जाए तो वो आपकी परसेप्शन है बट हम ट्रेंड होके आए हैं हमारा काम आपको कंफर्ट देना नहीं है ये सहाफ़ियों को अपने कंडक्ट से अपने कंटेंट से अपने कॉन्फिडेंस से और अपनी इकदार से और अपने एथिक से कन्विंस करना पड़ेगा सोसाइटी को कि वी आर नॉट हेयर फॉर योर फॉर योर जॉब वी वी हैव हैव अ अ जॉब और आप हमें पीस ऑफ केक नहीं समझें ये इस चीज़ को तो मैं पर्सनली तौर पे भी एग्री uh, करता हूँ कि जब आपको ऐसा इकदार दिया जाता है जिसमें आपने करोड़ों लोगों को uh, आपने उनको लीड करना है और उनके प्रॉब्लम्स को हल करना है तो ऐसे कोई हार्ड हिटिंग क्वेश्चन जब आए

कि मुझे दिख, मुझे दिखाओ तो सही कि तुम पूछ कर रही हो और आ, इतना कॉन्फिडेंस तो था डर तो लग रहा था क्योंकि आप अनकंफर्टेबल हो जाते लेकिन ट्रेनिंग ये नहीं होती ना कि अगले को अपनी परेशानी दिखाओ ले और उसमें क्या था मेरा फ्लो बना हुआ था और मेरे आर्ग्यूमेंट लिखे हुए थे ज्यादातर मेरे सवाल बने हुए थे क्योंकि मैंने अपने अ, ये किसने फार मिर्जा ने और मैंने उस प्रोग्राम का फ्लो खराब नहीं करना था और आप जितने भी मेहनती एंकर्स देखें वो अपना अपने नोट्स साथ लेके जाते हैं जितने एंकर्स फिलबदी बोल रहे होते हैं और राय बाएं शाये कर रहे होते हैं उनका होमवर्क पता लग जाता है तो आई वॉज वन ऑफ एंकर्स आई ऑलवेज देंज होमवर्क तो जब मिर्जा साहब ने उठा ली ऐसे पेपर्स तो वो लेकिन ही वोज काइंड एनफ कि फिर जब उन्हें रियलाइज हुआ ना कि थोड़ा ज्यादा हो गया उन्होंने खुद ही वापस रख दिए और उन्होंने मुझे ये भी नहीं कहा कि इंटरव्यू एयर नहीं होना चाहिए तो ऐसे मौलाना अब्दुल अजीज़ बहुत नाराज़ हो गए थे मुझसे बहुत ज्यादा और लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा कि इंटरव्यू उन्होंने कहा नहीं इंटरव्यू खत्म हो गया बात खत्म इंटरव्यू उन्होंने जाने दिया इसहाक डार Uh, के साथ एक मेरा एक बड़ा टफ कॉन्वर्सेशन हो गया था इकॉनमी लोग बड़े बड़कपन का मुजाहरा करते हैं लोग कभी ये नहीं कहते कि नौकरी से निकाल दो या हाउ डेयर यू लेकिन कुछ सा हैं हमारे मुल्क में जो एबजॉर्ब नहीं करते एज ए जर्नलिस्ट अगर हम देखें तो इसके अलावा और आपको कौन सी ऐसे लगते हैं स्ट्रगल है जो कि आजकल 2024 में फायरवॉल है इंटरनेट के इश्यूज हैं जिससे हमें मज़ीद गुजरना पड़ेगा जर्नलिस्ट देखिए या सिर्फ वो दो दिन पहले जो हमारी मिनिस्टर हैं जो इंटरनेट के इश्यूज देख रही हैं शिजा फातिमा उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई कंप्लेन्स नहीं है और मैं पूछ रही हूँ पीटीए कह रही है हमें नहीं पता इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है हमें नहीं पता सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है इन इशूज के ऊपर वो कहती है हमें नहीं पता पार्लियामेंट भी इशू किसी ने उठाया नहीं है कुछ सियासी जमातों के अलावा कैसा हो सकता है बल्कि मेरे आने तक मेरे घर का इंटरनेट नहीं चल रहा था इस ये बुरी, हा, बुरी हालत है कि जो आपके घर के और इसके है, पर कोई भी बंदा बात करने को तैयार नहीं और जर्नलिस्ट नो वन मो एग्जैक्टली और जर्नलिस्ट, no exactly, जर्नलिस्ट मतलब तो मुझे नाम नहीं लेना बट आई फील सैड कि जर्नलिस्ट टेक्निकल बुनियादों पे गुफ्तु कर रहे हैं कि इंटरनेट मुल्क में क्यों बंद हो गया कोई टेक्निकल वजह निकला है को, कोई कोई इंजीनियर वजह निकला है लेकिन ये नहीं कोई कह रहा कि ये इलेक्शंस के बाद ही इंटरनेट डाउन क्यों हुआ है और अगर आप चाइना बनाना चाहते हैं प्लीज बना दें कोरिया बनाना चाहते हैं प्लीज बना दे पाकिस्तान को कोरिया लेकिन फिर उस तरह की हेल्थ भी दें उस तरह की एजुकेशन दें उस तरह की इकोनॉमी दें।, दें।, दें उस तरह की स्कूल्स दें उस तरह का कॉन्फिडेंस दें उस तरह की स्पोर्ट्स दें आपने देखा है कि कोरिया के लोगों ने कितना ओलंपिक अच्छा परफॉर्म किया वहां पे भी इंटरनेट की हालत है तो हम लोग इंटर, इंटरनेट का रोना कहना चाह रही थी कि आप, आप जरूर, आप पाकिस्तान अगर आपको लगता है कि की नुकसान हो गया तो जरूर कदम लगाए हमें चाइना बना दें कोरिया बना दें लेकिन हमें फलने फूलने तो दें और हमें हम इंटरनेट के लिए इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हमारे पास इंटरनेट के अलावा कुछ है नहीं पिछले कुछ हफ्तों में थर्टी करोड़ डॉलर

परवेज मुशरफ ने अपनी किताब की जो उनकी आखिरी सफात है उसमें लिखा हुआ है इन द लाइन ऑफ फायर और उसका उर्दू तर्जु पाकिस्तान सबसे पहले और आ, अब बदकस्मती से दोनों किताबों का जो आपने नाम लिए अलग अलग है इन्फॉर्मेशन है ऑडियंस के मुताबिक अच्छा। ये भी हमारे के निगम है कि हमारे मुल्क में जब कोई किताबें लिखता है कि जो तो ट्रांसलेशन तो, तो है है वो भी ठीक नहीं जिसको जो सुनना है वो सुनवाना है उन्होंने ये लिखा था कि मुझे जब अमेरिका से धमकी आई कि स्टोरेज में चले जाओगे तो हमने वो कर दिया और इन सात नुकात पे अमल कर दिया तो अच्छा। हमारी बदकिस्मती ये कि कभी हम अमेरिका के कहने पे स्टोन एज पे चले जाते हैं और कभी कभी हम अपने कहने पे चले जाते हैं तो आई थिंक हमारा अप्रोच का फर्क चले है चलिए मिडिल ईस्ट की बात करते हैं मिडिल ईस्ट में यू ए सऊदिया कोत बहरीन कतर ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनकी मिसालें दुनिया में दी जाती हैं एज द वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्रीज़ कि बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर है मतलब कि दुबई में पूरी दुनिया का बंदा जाके बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करता है हाँ। लेकिन वहाँ पे इतनी सख्ती है कि आप कुछ मिजाल है कि आप सोचें लेकिन मुझे अब एक बात बताएं ज़रूरत क्या है एक आम आदमी को कभी देखा है वहाँ के लोकल किसी इमाराती को या किसी लोकल सऊदी को ये एहत करने की भी मेरे पास सहूलियात नहीं मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा या मुझे बिजली नहीं आ रही या ये बिल बहुत ज़्यादा आ गया वहाँ की गवर्नमेंट अपने सिटीजन का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और दूसरा है कि यासर मुझे देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से जुमला बोल रही हूँ कि हम लोग एक ताकतवर मुल्क है हमारे इंस्टीट्यूशन बड़ी स्ट्रॉग हैं हमारी फौज बहुत मज़बूत इधारा है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत मजबूत इधार हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर कुछ छोटा मोटा कुछ रेजिलियंस आ भी जाती है किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो ये एक अप्रोच है जो कि मैं चाहती हूँ कि मुतारफ़ हो हमारे सिस्टम में कि अगर कोई रेजिस्टेंस है ये नहीं कि नाइन्थ मई जैसे वाकयात हो जाए लेकिन अगर कोई रेजिस्टेंस है तो उसको लेके टॉलरेंस होनी चाहिए सिस्टम सिस्टम में सिस्टम में टॉलरेंस की बहुत कमी है चले एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड तो तो सवाल ऐसे हैं कि खत्म ही ना हो जो मुझे पता चल रही है क्या ऐसा लिटमस टेस्ट है जिससे ये पता चले कि ये सहाफ़ी अच्छा है ये सहाफ़ी रिलायबल नहीं है या आपको नज़र आता है कि यार ये इस्टेबलिशमेंट की बहुत ज़्यादा बात करता है ये गवर्नमेंट को के बारे में बहुत बोलता है ये क्रिटिसाइज ये कैसे पता चलेगा कि ये वाकई में रिलायबल सहाफ़ी है और ये मतलब कि सहाफ़त के जो एथिक्स हैं उसके मुताबिक ये काम कर रहे हैं ये इसका कोई लिटमस टेस्ट है कोई इसका ऐसे कोई क्राइटेरिया है जिससे पता चलेगा या सर हमारे मुल्क में कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जिनको ख़ुद नहीं पता कि वो सही जर्नल करें या गलत करें कुछ लोग सिर्फ पेट्रियाटिक होने की ब्लेयर में बह जाते हैं कुछ लोग किसी प्रेशर में कुछ काम करने लग जाते हैं लेकिन असल जर्नलिस्ट वही होता है जो जो ट्रेन होके आए वो उसी की बुनियाद के ऊपर फैसला ले उसका कोई लिटमस टेस्ट नहीं है जो आपकी जो जो लोग हैं ना उन्हें खुद पता लग जाता है वो आपको स्विच कर देते हैं जिस वक्त हाँ शायद है भी जिस वक्त लोगों को पता लग जाए कि आप जब टीवी पे आएंगे तो क्या बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आई यू आर नॉट अ गुड जर्नलिज्म क्योंकि आप तो अपना अपनी छाप बनवा चुके हैं तो जब आपकी एक छाप बन जाए तो इसका मतलब है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं और वो जर्नलिस्ट जिससे सब खुश होते हैं तो वो एक सही जर्नलिस्ट नहीं है लेकिन वो जर्नलिस्ट जिससे जिससे कोई ना कोई नाराज रहे तो इसका मतलब है कि वो कुछ तो कुछ तो ऐसा कर रहा, है, कर रहा है कि उसे कि है कि उससे नाराज जिससे लोग नाराज हैं चलिए ठीक है थैंक यू सो मच दूराजपुर फॉर योर टाइम थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग और जुड़े रहिए हमारे साथ आपको मजीद ऐसे पॉडकास्ट और ऐसे हार्ड हिटिंग क्वेश्चन के साथ विल बी राइट बैक इन शाह हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आप सब्सक्राइब करें एंड आपने जो भी आपके कॉमेंट्स हैं जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप हमारे साथ शेयर करें और इनशाला हम उसका पूरा जवाब देंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच once again batul rajput this is me yasir saeed and batul rajput signing off from make digital jazakallah khair alaafiz